इस व्लॉग में हम जरा डिस्कस करते हैं कि Uber वर्सेस Amazon करके देखते हैं कि ज्यादा पैसे किसमें बनते हैं। और इस वीडियो में जो है मैं Uber और Amazon दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा कि यार ज्यादा बेहतर कौन सा है। तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी होगी देखने के लिए कि यार Uber करनी चाहिए या Amazon करनी चाहिए। Amazon का ये मसला है कि वो ना नए ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। तो जब आप गाड़ी ले लेते हो तो आपकी अर्निंग की पोटेंशियल बढ़ जाती है। आप अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करो, फुल टाइम जॉब भी करो, इंटर्नशिप भी करो और साथ में ये Uber Amazon का चक्कर भी कर लो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ Amazon का और Uber का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादा बेहतर कौन सा है, Amazon करनी चाहिए आपको या Uber करनी चाहिए। तो ज़रा इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊंगा भी कि यार अमेजोन की डिलीवरी में मुझे कितने पैसे मिलते हैं, ऊबर में कितने मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में बढ़ते हैं। फिर अभी जहाँ मैं ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा हूँ ना, ये यहाँ पे टोरंटो का सबसे बिजी तरीन इलाका है और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो इसको कहते हैं स्कारब्रो टाउन सेंटर। यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे स्कारब्रो में, स्कारब्रो टाउन सेंटर के नाम से यहाँ पे, और काफी सारी दुकानें भी है यहाँ पे और इसके इर्द गिर्द सारे ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई है बहुत सारी ना। तो आप ये चारों तरफ जैसे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। तो यही मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ अभी सामने, और एक और ट्रिप आ गई तो उसका हम एक्सेप्ट कर लेंगे अभी। 8 किलोमीटर्स, 2 डिलीवरीज और $10.5, तो मेरे हिसाब से वो गैस के लिए अच्छा है क्योंकि देखो मेरी गाड़ी गैस इतना खाती नहीं है। मेरी सिविक लेने की वजह यही थी कि यार मैंने अगर ये डिलीवरी ड्राइविंग करनी है और थोड़ी गिग वर्क करना है तो ये गाड़ी इतना गैस वगैरह नहीं खाती है और मेंटेनेंस भी इसकी मैंने कोई नहीं कराई पिछले जब से मैंने ली है। तो ये फ़ायदा होता है गाड़ी लेने का। शो तो मैं नहीं मारना चाहता है गाड़ी के साथ, एज लॉन्ग एज पॉइंट ए टू पॉइंट बी गाड़ी पहुंचा दें मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो आप भी यही देख के गाड़ी लो, इंश्योरेंस कितनी पड़ रही है और गाड़ी की कॉस्ट कितनी है। किसी को दिखाने के लिए गाड़ी नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाय, आर यू इन STC? Cuz I'm standing on 60 Bryan Way. 60 Bryan Harrison Way, you stand in the apartment building. So, the building is locked. How do I come in? No, you can only park at the front door. Oh, at the front door of the building? Yeah. Okay, so it's on the other side of the building, okay? 60 Bryan Harrison Way. 60. Okay, okay, I'll come from the other side. Okay. Alright, bye. तो यार जहाँ मैंने डिलीवर किया था ना इसी बिल्डिंग में, तो इस बिल्डिंग की ऑपोजिट साइड पे कोको ट्री है। ये भी काफ़ी चाइनीज़ यहाँ पे रहते हैं इस एरिया में, तो इनके सारे रेस्टोरेंट्स भी मेरे हिसाब से इधर ही हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी जो है यहीं पे छोड़ दें और वॉक करके जाएं आगे ना, होपफुली कुछ नहीं होगा। इंडिकेटर खोल देते हैं तो गाड़ी को यहाँ पर लगा के ज़रा देख के आते हैं उसको, फ़ोन भी ले चलते हैं साथ में। अच्छा ठीक है, तो देखो तो गाड़ी वहां छोड़ के ये रखो को फ्रेश। तो ये मैं बताया ना यहाँ पे काफी एजियन लोग रहते हैं तो उनका रेस्टोरेंट भी बिल्डिंग के नीचे ही है, तो ये अच्छा हो गया कि यार जहाँ पे ड्रॉप किया है वहां से दूसरा मिल गया। पहली डिलीवरी के मुझे मिले थे $20, $19 आई गेस, और अब इसकी मुझे $10 की आई थिंक वो है, तो चल के पिकअप करते हैं। तो यार ये ऑर्डर मैंने ले लिया यहीं से। ये चीज अच्छी हुई कि जहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया था इस बिल्डिंग में और वहीं से ऑर्डर पकड़ लिया। आजकल मौसम बड़ा अच्छा आ रहा है कनाडा का, हवा बड़ी अच्छी चल रही है और यही काम असली भी अच्छा है यहाँ का, जल्दी से आप कर सकते हो और जब चाहो नहीं करो और घूम फिर भी लेते हो, अच्छा है। घर पे बंदा वैसे भी बोर हो जाता है कभी कभी ना। अच्छा तो एक और अच्छी बात ये हो गई कि दूसरा ऑर्डर भी इसी के कॉम्प्लेक्स में है। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे स्कारब्रो टाउन सेंटर का और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। तो ये यहाँ Uber करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो दूर है मेरे घर से, तो एक तो पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं यहाँ आने के और फिर यहाँ के आसपास के बड़े ऑर्डर होते हैं और फिर इसके बाद वापस मार्कम जाने के लिए भी बड़े ऑर्डर होते हैं। तो इसलिए कभी दिन में आप यहाँ पे ना स्कारब्रो साइड पे टाउन सेंटर के पास Uber किया करो ताकि ऑर्डर आपको अच्छे मिले।
और घूमना फिरना भी आप लोगों का हो जाए। और यही मैं दो ऐप चला रहा था, साथ में उबर और एक फोनटॉन। तो फोनटॉन पे अभी ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है, थोड़ा स्लो है, तो उबर ही करते हैं फिलहाल। और चाइनीज़ों के साथ साथ यहाँ पे देसी लोग भी बड़े रहते हैं, इसलिए लोग गाड़ी भी बड़ी ख़राब चलाते हैं। इस एरिया की इंश्योरेंस भी आई थिंक ब्रैम्पटन की जितनी होगी, ब्रैम्पटन में भी इंश्योरेंस ज़्यादा है, इस एरिया में भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग भी ज़्यादा हैं। और जब लोग गाड़ी ख़राब चलाएं तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस भी उनकी फिर ज़्यादा ही होती है। तो जो दूसरा ऑर्डर मैंने पिक करना है वो भी यहीं से करना है, और सामने ही है बिल्कुल। तो ये दो तीन ट्रिप्स आप देख लो यार, आप एक तो अपने एरिया से वाकिफ हो उबर करते हुए, और खाली उबर मत चलाओ, साथ में दो तीन ऐप्स और यूज़ कर लो। और दूसरा ये कि बस इन्जॉय करो यार टाइम को, ये टाइम भी गुजर जाएगा, और बस अच्छा एक्सपीरियंस लो। जब यहाँ पे बंदा आता है कनाडा में तो ऐसी जॉब्स करना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन यार कोई मसला नहीं है, ये भी एक टाइम है और ये एक एक्सपीरियंस है सबके लिए, तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए सबको मेरे हिसाब से, वरना बाद में रिग्रेट होता है। मैं जो यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ ये भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है चैनल के, बाद में यार मुझे ये नहीं हो कि यार मैंने ये ट्राई क्यों नहीं किया, ट्राई हर चीज़ करनी चाहिए। तो यार सीन ये है कि अभी एक ऑर्डर मैंने इस घर में डिलीवर कर दिया है, और शुक्र है घर था तो कहीं आगे पीछे जाने ही नहीं पड़ा। वैसे भी आज कहीं मैं ऊपर गया नहीं बिल्डिंग की, क्योंकि यार वो जो बिल्डिंग वाले थे दोनों नीचे आ गए, और घर वालों के तो बाहर ही आपको यहाँ सामने छोड़ देना होता है। तो जल्दी से हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं दूसरा ऑर्डर देने। तो यार दूसरा ऑर्डर अभी अभी ड्रॉप करके आया हूँ, और एक और मुझे रिक्वेस्ट आ गई उबर की, लेकिन ये मैं नहीं लूँगा क्योंकि यार 16.5 किलोमीटर्स है और $5 दे रहे हैं, तो ये इसका फ़ायदा कोई नहीं है। फिर एक और है $5, $6, लेकिन यार ये इसका डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा है, तो अभी इसको कैंसिल करते हैं। अभी तक मैंने बनाया $26, कितनी डिलीवरी से बनाया, 4 ट्रिप्स है, इसमें अभी टिप ऐड नहीं हुई भी। अभी देखो इस हफ्ते मैंने सैटरडे को काम किया है जो कि आज है, और सी डिटेल्स पे अगर जाते हैं तो 2 घंटे मैंने काम किया, अभी तक टिप ऐड नहीं हुई है, इसकी टिप ऐड हो गई, $1 उन्होंने मुझे टिप दिया है, तो बड़ा मैं इनका थैंक यू करता हूँ, शुक्र गुजार हूँ मैं $1 के अभी कर्जे में आ गया हूँ। लेकिन $19 एक घंटे में ठीक है, मिनिमम से ऊपर है, इसकी देखते हैं। नहीं 16 देखो, ये 16 का मुझे वो आ रहा है, लेकिन मैं नहीं लूँगा क्योंकि यार इसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है, इतना दूर बंदा जाए तो। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हो। डिटेल्स पे मैं गया, एक्टिविटी, अब इसमें देखते हैं कि इसकी टिप कितनी है, $3 टिप है इसकी, तो समझो अगर ये मुझे टिप मिल जाएगी तो मैंने बनाए $29 इन हाउ मेनी मिनट्स, एंडिंग पे गए वापस 2 घंटे में, तो $14.50 पर आवर। आजकल ऊबर का इतना कुछ खास नहीं है, तो देखो इसमें 14.5 है, और दूसरी जगह अमेजोन का आपको पता है $22 घंटे का है। फिर ज़रा एक और डिलीवरी आ रही है, लेकिन ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि यार ये खाली $11 है फॉर 19 किलोमीटर्स, तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा स्कारब्रो का जो एरिया ना, टिपिकली स्कारब्रो में पैसे थोड़े कम मिलते हैं, ये मार्कम रिचमंड हिल ऊपर के एरिया में पैसे ज़्यादा हैं। सीन अभी ये है कि ऊपर करते करते मुझे अमेजोन की शिफ्ट मिल गई 2 घंटे की, और अमेजोन का वेयर हाउस लकीली 5 मिनट दूर है यहाँ से, तो मेन 401 है ये, और 401 के निकलते ही अमेजोन का वेयर हाउस है, तो मैंने कहा यार ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो बस वहीं जा रहा हूँ मैं, 5 मिनट्स अवे हूँ, और शिफ्ट मेरी स्टार्ट हो रही है 5-10 मिनट में। तो इस व्लॉग में हम जरा डिस्कस करते हैं कि ऊबर वर्सेस अमेजोन करके देखते हैं कि ज़्यादा पैसे किस में बनते हैं, और इस वीडियो में जो है मैं ऊबर और अमेजोन दोनों का कंपैरिजन भी करूँगा कि यार ज़्यादा बेहतर कौन सा है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी देखने के लिए कि यार ऊबर करनी चाहिए या अमेजोन करनी चाहिए। अमेजोन का ये मसला है कि वो ना नए ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए सालों की वेटिंग है। वो तो पता नहीं क्यों मैंने 2 साल पहले अमेजोन के लिए रजिस्टर किया था, इवन तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी ना लाइसेंस था, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया था अकाउंट अमेजोन पे, तो आज मेरे काम आ गया कि चलो घूमते फिरते अमेजोन भी कर लो ऊबर भी कर लो। और फारिग होता है स्टूडेंट के लिए तो ये होता है ना कि बजट होता है, तो जब आप गाड़ी ले लेते हो तो आपकी अर्निंग की पोटेंशियल बढ़ जाती है, आप अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करो, फुल टाइम जॉब भी करो, इंटर्नशिप भी करो, और साथ में ये ऊबर अमेजोन का चक्कर भी कर लो जब भी आपके पास टाइम हो। जैसे ये 2 हफ्ते बाद में ये सब कर रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे,
तो एग्जाम में बिजी था, लेकिन एग्जाम से फारिग हूँ तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो आजकल ये कर लेते हैं। मौसम भी अच्छा है, घूमने फिरने को मिल जाएगा यार। अच्छा सीन फिलहाल ये है कि मैंने अमेजोन के ना वेयर हाउस से पार्सल जो ले लिए थे सारे, और खाली 7 जगह पे देना है, 7 different parcels हैं, और ये हैं भी करीब। तो वो मैं बता रहा था ना, जो डाउन टाउन के पास के इलाके ना, यहाँ पे इनके ट्रक जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पार्किंग का बड़ा इश्यू होता है, लेकिन गाड़ी जा सकती है, तो इसमें बड़ा फ़ायदा है। हाँ तो अमेजोन जो है ना, पर आवर आपको देता है $22। अब 2 घंटे के मुझे मिल रहे हैं 44 यहाँ पे। अभी फ़िलहाल जो मैं उबर कर रहा था उसका हिसाब करते हैं अभी, कहीं रुक के ना, या तो मैं वीडियो के एंड पे दोनों का हिसाब करता हूँ, क्योंकि टिप जो मिलती है उबर की वो मिलती है 1 घंटे बाद। तो उबर की टिप के बाद आपको बताते हैं कि उबर में कितने बने, लेकिन अमेजोन में अभी मुझे मिल रहे हैं $22 घंटे के, विच इज़ 44 an hour, आई मीन 44 for 2 hours, जो कि बुरे नहीं है बिल्कुल भी। और ज़रा समझते हैं कि यार क्या करना चाहिए। अच्छा अमेजोन के लिए ना बड़ा आसान काम है, आपको एक ही जगह पे जाना है, आसपास की गलियों में डिलीवर करना है और काम ख़त्म। उबर का ये भी होता है कभी कभी आपको दूसरे शहर में जाकर डिलीवर करना हो, लेकिन पैसे भी इस हिसाब से मिलते हैं ना फिर, तो दोनों मिला के चलाना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में ज़रा पता करते हैं कि बेहतर क्या है ज़्यादा। तो चलें, आगे पुलिस वाला खड़ा है। तो यार मुझे यहाँ पे बस नजर आई, तो मैंने सोचा जरा आप लोगों को बस का भी सिस्टम बता दूं यहाँ पे क्या है। जैसे आप सामने देख सकते हो बस जो है रेड वाली, तो उसको TTC कहते हैं, टोरंटो ट्रांजिट कमीशन। इसका सीन ये होता है कि आपको एक प्रेस्टो कार्ड लेना होता है, और प्रेस्टो कार्ड पे TTC आपको चार्ज करती है $3 per trip। ये TTC की बस है, तो स्कारब्रो और टोरंटो में बड़ी ज़्यादा TTC चलती है, जो मार्कम और यॉर्क रीजन है ऊपर के उनका सेपरेट होता है। आजकल इन्होंने सबको ज्वाइन कर दिया है, अब एक ही फेयर लगता है $3 का, उसमें आप 2 घंटे तक कहीं भी घूम सकते हो, चाहे पूरे GTA के अंदर अंदर। तो आपको चाहे डाउनटाउन जाना हो या कहीं भी जाना हो घर से, तो आप खाली $3 दो, 2 घंटे तक वो वैलिड होता है और कहीं भी जा सकते हो। पहले ज़्यादा था क्योंकि पहले यॉर्क रीजन का और TTC का अलग अलग था सबका ना, तो यहाँ पे 4-5 अलग अलग ट्रांजिट कमीशन हैं जो अलग अलग फेयर चार्ज करती हैं अपने एरिया के हिसाब से ना, लेकिन अब उन्होंने सब एक कर दिया है, तो $3 में आप कहीं भी जा सकते हो, वो बड़ा अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन मसला ये है कि बस में ना टाइम बड़ा लगता है, जगह जगह रुकती है, तो गाड़ी लोगे तो गाड़ी अपना खर्चा खुद ही निकाल लेगी यार। जैसे अभी देखो हम भी गाड़ी का खर्चा गाड़ी से निकलवा रहे हैं ऊबर और अमेजोन करके, और साथ में घूम फिर भी रहे हैं, को चक्कर नहीं कि बस लेट हो रही है। पहले ट्रेन मिस होती थी मेरी हमेशा, ट्रेन और बस तो मैंने मिस की हैं, तो अब मैं इवन तो गाड़ी आने के बाद भी मैं कोई जल्दी नहीं आता टाइम पे, मैं 5 मिनट पहले निकलता हूँ जहाँ भी जाना हो। लेकिन यह है कि मेंटली सुकून होता है बंदे को ना, कि यार पता है कि पहुँच जाएंगे आराम से, लेट भी निकले तो डाउनटाउन चले जाएंगे। अच्छा अमेजोन का जो है मुझे खाली 7 stop पे जाना है, और लकीली जो पहला स्टॉप है वो 7वां है मेरे पास, तो ये हम चूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है अमेजोन में, ऊबर में ये नहीं कर सकते। अमेजोन में ना आप चूज कर सकते हो कि यार मैंने पहला स्टेप कहाँ पे लेना है, तो मैंने पहला यहाँ 7वां चूज किया, क्योंकि यार मेरा ब्लू डॉट में आप देख सकते हो मैप पे मैं ब्लू हूँ और ये स्टॉप अलग अलग हैं, तो नंबर 7 सबसे पहले आ रहा है, तो हम पहले 7वें को डिलीवर करेंगे, उसके बाद पहले पे जाएंगे जो डाउनटाउन के थोड़ा करीब है। तो चलते हैं पहले 7वें को डिलीवर करते हैं, और रात होने वाली है आप जैसे देख सकते हो, सुबह से हम निकले हुए हैं। पहले सुबह जिम गए थे, फिर काम किया नेस्प्रेसो में, काम के बाद फिर ऊबर की, ऊबर के बाद अमेजोन कर रहे हैं। तो देखो यार स्टूडेंट लाइफ में तो मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो और फिर खर्चे कर सकते हो, वरना घर बैठ के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस काम काम काम, कायदे आज़म ने कहा है काम काम काम, तो बस काम काम काम। यार ये एक सनेका कॉलेज यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इसके बड़े कैंपस हैं पूरे टोरंटो में, GTA में इसके बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं, मैं अंदर भी गया हूँ, तो ये बहुत अच्छा कैंपस लाइफ है इसका, अनलाइक रायरसन का। जो रायरसन तो बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर है, बट ये सनेका जो है ना ये गेटेड कम्युनिटी है पूरी अंदर, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट का हिसाब है, और मोस्टली यहाँ स्टूडेंट्स भी इंडिया पाकिस्तान और सारे ना साउथ एशियन कंट्रीज से ही आते हैं।
अच्छा मैंने उबर की अभी डिलीवरी ले ली है अमेजोन करते करते हूँ कि आप दोनों कर सकते हो, तो ये अच्छी डिलीवरी थी, 3 किलोमीटर ओनली फॉर लाइक $11 मिल रहे थे, तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है भी रास्ते में सामने जाके, अमेजोन भी साथ साथ चल रहा है, ये आपको दिखाते हैं, ये अमेजोन चल रहा है साथ साथ, तो अमेजोन थोड़ा और आगे है, इतने में करीब सामने उबर की डिलीवरी है तो ज़रा ये निपटा देते हैं। तो ये बात कर रहा था कि मैं फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है यार, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो यार सीन अभी ये है कि मैं जो अमेजोन कर रहा था तो मुझे एक और उबर की डिलीवरी आ गई, जैसे कि आप ये देख सकते हो सामने फ़ोन पे, तो मैं आ गया हूँ पिज़्ज़ा हट पे, अभी 3 मिनट जल्दी आ गया हूँ तो मैं वेट कर लेता हूँ साथ साथ। तो मैं यही बात कर रहा था कि यार उबर और अमेजोन आप मिला के भी कर सकते हो, अगर आपको रास्ता पता हो और आप कॉन्फिडेंट हो अपनी ड्राइविंग में तो आप ज़रूर करो। अब जैसे ये डिलीवरी जो मुझे मिली है ये 3 किलोमीटर है और फॉर $11, तो $11 ये और 44 जो अमेजोन के थे। तो इस वीडियो के एंड में मैं दोनों बताऊंगा कि टोटल कितना बनता है अमेजोन और ऊपर मिला के। और ये अभी आपके साथ ही एक और डिलीवरी आ गई फोनटोन की, तो ये फोनटोन का देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। अच्छा ये भी इधर ही सबवे कहीं है, $7 बोल रहा है। ऑल्दो मैंने जाना तो इधर ही है, लेकिन यार इतना ज़्यादा ओवर बटन नहीं करो कि आप दे ही ना पाओ, फिर तो सारी रेटिंग खराब हो जाएगी ना सारे ऐप पे। तो अभी फिलहाल मैं 2 कर सकता हूँ, एक अमेजोन कर सकता हूँ और ऊबर कर सकता हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा ये अमेजोन करते करते ना मुझे एक ऊबर की डिलीवरी मिल गई थी, तो ये पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा उठाने थे, अब ये देना भी बहुत करीब है, लाइक ये 500 मीटर भी नहीं है, तो चल के ज़रा देते हैं इसको सीधा आगे जाके, और इसके $11 मिल रहे हैं तो ये अच्छा है। ऊबर में यार ये सीन होता है कि सप्लाई डिमांड का चक्कर है, अगर ड्राइवर ज़्यादा है ना तो पैसे कम मिलेंगे, लेकिन अगर उस एरिया में ड्राइवर नहीं होगा कोई तो आपको पैसे वो फिर ऊबर ठीक ठाक देता है। जैसे ये 5 मिनट की डिलीवरी नहीं है, इसके $11 मिल गए, इससे पहले मैंने 2 की थी उसके 10 मिले थे और उसमें आधा घंटा लग गया था, तो ये बहुत चक्कर है। तो वेट कुछ लोग करते हैं कि वेट करते हैं सही के लिए, लेकिन यार मैं कहता हूँ कि जो आता है आ जाए और फिर देख लेंगे बाद में एवरेज आउट कर लेंगे। तो ज़रा इस वीडियो के एंड में मैं एवरेज करूँगा सबका जितने भी मैंने डिलीवरीज की हैं, तो फिर एंड तक आप देखिएगा क्या होता है। अच्छा अमेजोन में जो है ना पार्सल को इस तरह स्कैन करना होता है, तो ये हो गया पार्सल आपका स्कैन, और अब इसको उठा के हमने जाके वहाँ रख देना है, तो ज़रा इसको देख रखते हैं जाके इस घर में देना है। और फिर बस इसकी पिक्चर ले लेनी है फ़ोन से और उसके बाद करना है स्वाइप इस तरह से। तो यार ये नेबरहुड बड़ा अच्छा है, एक्सपेंसिव एरिया है ये पूरा, और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े घर बने हुए हैं। अच्छा तो मैंने ये अमेज़ॉन का अभी ख़त्म किया है, तो एंड में पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, डू यू फील सेफ, तो मैं बोलूँगा या ऑलवेज सेफ ही होता है क्योंकि कॉन्टैक्ट लेस होता है, ईजी होता है, मुश्किल। तो आप पूछ रहे हैं कि वॉज इट ईजी और हार्ड, तो मैं बोलूँगा कि वॉज ईजी, क्योंकि मैंने घंटे के अंदर अंदर कर दिया था ये। तो अब इसकी ज़रा अर्निंग चेक करें कितनी बनती है, तो 2 घंटे की शिफ्ट में मुझे मिले हैं $44 8 to 10, तो ये होता है $22 एन आवर। और ऊबर का देख लेते हैं, तो ऊबर में ज़रा अर्निंग पे चल के सी डिटेल्स पे जाएं, डिटेल्स के बाद हम जाते हैं। अब हमने 42 कमाए 2.5 घंटे में, तो और टिप्स ट्रिप्स हमने लिए 5, इतनी टिप मिली है, इतनी हमारी डिलीवरी थी, तो 42 ढाई घंटे में, तो ये बनता है आपका, करते हैं 42.26 डिवाइडेड बाय 2.5, $16 ऊबर में कमाए हैं और अमेजोन पे 22 एन आवर। भाई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तब आगे लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।